हेलो चिल्ड्रेन टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर सेवन दैट इज कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दिस इज एन एक्सप्लेनेटरी वीडियो थ्रू द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आई हैड ऑलरेडी शेयर्ड अ एक्सप्लेनेटरी वीडियो व्हिच वाज थ्रू पीडीएफ ऑफ द बुक चैप्टर के पी से मैंने एक एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो आपको शेयर किया था और अब हम इस चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे इस प्रेजेंटेशन के थ्रू ओके चिल्ड्रेन हेयर गोज द फर्स्ट स्लाइड हम देखते हैं यहाँ पर डीफॉरेस्ट्रेशन के बारे में वॉट इज डिफॉरेस्ट्रेशन डीफॉरेस्ट्रेशन क्या है बच्चों क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड यूजिंग द लैंड फॉर अदर पर्पेस इज कॉल्ड डिफॉरेस्ट्रेशन मतलब फॉरेस्ट को क्लियर कर देना फिर उस लैंड को किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ करना इसे हम कहते हैं डिफॉरेस्टेशन इन फर्स्ट यू कैन सी द पिक्चर दिस इज़ डिफॉरेस्टेशन सारी ट्रीज़ को कट कर दिया गया है अब हम क्यों करते हैं ऐसा डिफॉरेस्टेशन क्यों किया जाता है उसके कॉजेज़ क्या हैं रीजंस क्या हैं सबसे पहला है प्रोक्योरिंग लैंड फॉर कल्टिवेशन क्योंकि हमको खेती करने के लिए लैंड की ज़रूरत होती है बिल्डिंग हाउसेस एंड फैक्ट्रीज हमको हाउस और फैक्ट्री बनाने के लिए जगह की ज़रूरत होती है और दूसरा कि हम जो कटी हुई लकड़ियां हैं उनको या तो हम फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं या फिर उसका फर्नीचर बनाते हैं द नेचुरल कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन आर फॉरेस्ट फायरस एंड ड्रॉट इसके अलावा जो कुछ और रीज़न हैं फॉरेस्ट के डिफॉरेस्टेशन के कि वो क्या है कि जंगल में खुद ब खुद आग लग जाती है या सूखा पड़ जाता है उसकी वजह से भी डिफॉरेस्टेशन होता है मतलब क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट होता है सो दीज आर द डिफरेंट रीज रीजन कि क्यों डिफॉरेस्टेशन हो रहा है अब डिफॉरेस्टेशन के बच्चों क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं कॉन्सिक्वेंसेज मतलब कि उसके क्या परिणाम हैं यदि हम डिफॉरेस्टेशन करेंगे तो क्या क्या चीज़ें हमें फेस करनी पड़ सकती हैं जैसे पहला आप देखिए यदि हम इसी तरह से पेड़ों को काटते चले गए तो टेम्परेचर बढ़ते जाएगा पॉल्यूशन का लेवल भी अर्थ पर बढ़ेगा टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है बच्चों क्योंकि आपको मालूम है कि प्लांट्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं यदि प्लांट्स नहीं रहेंगे तो लेवल ऑफ़ कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता रहेगा और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो टेम्परेचर को बढ़ाती है एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग इसकी एक और जो रिज़ल्ट है वो ये हो सकता है कि ग्राउंड वाटर लेवल कम हो जाए टोटल हम देखें यानी नेचर का बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा रेनफॉल कम होने लगेगा जिससे कि ड्रॉट यानी कि सूखा पड़ सकता है सॉइल इरोजन हो सकता है और सॉइल इरोजन क्यों होगा बच्चों क्योंकि जो ट्रीज़ हैं उन वो क्या करते हैं अपने रूट्स की हेल्प से सॉइल को पकड़ के रखते हैं अब यदि ट्रीज़ ही नहीं होंगे तो फिर वो सॉइल को पकड़ के या होल्ड करके नहीं रख पाएंगे तो सॉइल इरोजन होने लगेगा सॉइल इरोजन हो गया तो जो उसकी ऊपर की लेयर है जो आपको मालूम है जिसको हम यूमस कहते हैं वो नहीं रहेगी यूमस नहीं रहेगा तो सॉइल का फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाएगा डाउन हो जाएगा और ऐसे करते करते जो हमारे पास एक सिचुएशन आ जाएगी डिजर्टिफिकेशन की सॉइल फर्टिलिटी बिल्कुल ज़ीरो हो गया अब प्लांट्स नहीं उग पाएंगे यानी वहाँ एक डेजर्ट वाली कंडीशन क्रिएट हो जाएगी इसके अलावा डिक्रीज़ इन द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉयल जिसमें कि यदि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो गई सॉइल की तो फिर उससे बाढ़ आने के रीजंस बढ़ेंगे सो दीज आर द डिफरेंट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरस्ट्रेशन इसका मतलब कि हमको फॉरेस्ट को क्या करना पड़ेगा कंजर्व करना पड़ेगा फॉरेस्ट को कंजर्व करना पड़ेगा फॉरेस्ट में रहने वाले वाइल्ड एनिमल्स को वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना पड़ेगा तो हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं बच्चों इसके लिए यहाँ पर तीन आपको पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं बायोस्फीयर रिजर्व बना सकते हैं नेशनल पार्क्स बना सकते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बना सकते हैं नाओ विल सी वन बाय वन वाटर दे पहला है बायोस्फीयर रिज़र्व दीज आर लार्ज एरियाज ऑफ प्रोटेक्टेड लैंड या प्रोटेक्टेड लैंड के बड़े हिस्से होते हैं जहाँ पर कि बायोडाइवर्सिटी यानी वैरायटी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स को कंजर्व किया जाता है ना केवल प्लांट्स एंड एनिमल्स को बल्कि ट्राइबल्स की ट्रेडिशनल लाइफ को भी कंजर्व किया जाता है जैसे आपको पता होगा कि कुछ आदिवासी जनजातियाँ जो है वो फॉरेस्ट में ही रहती हैं जंगल में ही रहती हैं तो उनको भी बचाया जाता है उसके बाद है नेशनल पार्क्स नेशनल पार्क्स भी रिजर्वड एरियाज होते हैं जहाँ पर कि वाइल्ड लाइफ को रिज़र्व किया जाता है उनके हैबिटेट को सुरक्षित रखा जाता है नेचुरल रिसोर्सेज को सुरक्षित रखा जाता है देन वी कम टू वाइल्ड लाइफ सेंचूरीज दीज आर द एरियाज वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस टू देम और देयर हैबिटेट तो यहाँ पर उनको किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं होता सो दीज आर द थ्री डिफरेंट एरियाज बायोस्फीयर रिजर्व नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज उसके बाद हम वन बाय वन सबको देखेंगे यहां पर जैसे बायोस्फीयर रिजर्व बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो क्या है जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है बच्चों दीज आर द लार्ज एरियाज जैसा कि अभी अभी हमने डेफ़िनेशन देखा लार्ज एरिया जहाँ पर कि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व रखा जाता है तो ये जो बायोडाइवर्सिटी वर्ड हमने पढ़ा अब उसको यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है बायोडाइवर्सिटी इज़ द वैरायटी ऑफ प्लांट्स एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाउंड इन द एरिया मतलब जो वेराइटी ऑफ प्लांट्स एनिमल्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उसको हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी इसका एक एग्जाम्पल है पचमरी बायोसफेयर जिसमें कि नेशनल पार्क है जिसका नाम सतपुड़ा है उसके अलावा दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी हैं उसमें से एक का नाम है बोरी और एक का नाम है पचमरी ओके चिल्ड्रेन नाउ वी कम टू द फ्लोरा एंड फोना वॉट आर फ्लोरा एंड फोना जो फ्लोरा है बच्चों वो क्या होता है दीज आर प्लांट्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया किसी एक पर्टिकुलर एरिया में मिलने वाले प्लांट्स को हम कहते हैं फ्लोरा फोना क्या होता है दीज आर द एनिमल्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया आपको ये हमेशा ध्यान रखना है दोनों टर्म्स एफ से स्टार्ट होती हैं थोड़ी कन्फ्यूजिंग भी है पर आपको ध्यान रखना है कि फ्लोरा इज रिलेटेड टू प्लांट्स फोना मतलब एनिमल्स अब इसको याद करने का तरीका क्या है जैसे फ्लोरा मतलब फ्लावर से आप इसको याद रख लीजिए कि प्लांट्स में क्या होते हैं फ्लार तो फ्लोरा और फोना आपको ऑटोमेटिकली याद रहेगा ये फ्लोरा यदि प्लांट्स है तो फोना एनिमल्स हैं तो फ्लोरा ऑफ पचमरी कंसिस्ट ऑफ साल टीक वाइल्ड मैंगो जामुन सिल्वर फर्ंस एक्सेट्रा ये हमने बेटा उस वीडियो में भी आपको एक्सप्लेन किया था कि पचमरी का जो है कौन सा फ्लोरा है और कौन सा फोना है यहाँ पर वाइल्ड डॉग्स होते हैं ये देखिए वाइल्ड डॉग है चीतल है वुल्फ है उसके अलावा लेपर्ड है ब्लू बुल है बाकिंग डियर है ये सब यहाँ का फौना है अब एक हमने टर्म देखी थी उस समय भी एंडेमिक स्पीशीज एंडेमिक स्पीशीज़ क्या तो कुछ बच्चों ऐसे प्लांट्स या एनिमल्स होते हैं जो कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया में ही मिलते हैं कहीं और नहीं मिलते ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स जो कि किसी पर्टिकुलर एरिया में मिलते हैं कहीं और नहीं मिलते इनको हम क्या कहते हैं एंडेमिक स्पीशीज़ इसके एग्जाम्पल हैं साल वाइल्ड मैंगो दीज आर द एंडेमिक फ्लोरा ऑफ पचमरी पचमरी में मिलते हैं इसी तरह से यहाँ का जो फोना है एंडेमिक स्पीशीज़ कौन सी हैं उसमें है बाइसन इंडियन जाइंट स्क्विरल एंड फ्लाइंग स्क्विरल दीज आर द एंडेमिक फोना ऑफ दिस एरिया इसके आपको ये पिक्चर्स बुक में भी दे रखे हैं और यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहे हैं नाउ द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जैसा कि हमने पहले देखा था कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है दीज आर द एरिया वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस टू देम और दे आर हैबिटेड यहाँ पर किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है यहाँ पर एनिमल्स की किलिंग और कैप्चरिंग दोनों ही स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है बिल्कुल कानूनी तौर से जो है वो यहाँ पर अवैध है उसको यहाँ नहीं किया जा सकता है उसके बाद हम आते हैं नेशनल पार्क पर इसका भी हमने नेशनल पार्क का जो है बच्चों पहले भी देखा था कि नेशनल पार्क क्या है दीज आर द एरियाज रिजर्व फॉर वाइल्ड लाइफ वेयर दे कैन फ्रीली यूज द हैबिटेट एंड नेचुरल रिसोर्सेस सतपुरा नेशनल पार्क जो है वो फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट है इंडिया का ठीक है नाउ वी कम टू द एंडेंजर्ड एनिमल्स क्या होते हैं जैसे यहाँ पर एक वर्ड आपको डेंजर बीच में दिखाई दे रहा है ठीक है मतलब कि ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में इनके ऊपर कोई डेंजर है ये ऐसे एनिमल्स हैं जिनका की नंबर धीरे धीरे कम होते जा रहा है डिमिनिश होते जा रहा है और हो सकता है वो कभी एक्सटिंक्ट हो जाएं जैसे कभी डायनासोर होते थे और अब नहीं होते हैं तो कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो कि धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो सकते हैं उनका नंबर बहुत रैपिडली कम हो रहा हो जैसे कि इसका एग्जाम्पल दे रखा है कि टाइगर इज़ वन ऑफ द मैनी एनिमल्स विच आर स्लोली डिमिनिशिंग धीरे धीरे इनकी संख्या कम हो रही है और इन्हीं को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था वो क्यों किया गया था कि टाइगर की पॉपुलेशन को बढ़ाया जा सके और उसके सर्वाइवल को एंश्योर किया जा सके आपको मालूम है कि डायनासोर तो हैं वो ऑलरेडी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं अब कुछ जो एनिमल्स जो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं उनका रिकॉर्ड कहाँ रखा जाता है या जो एंडेंजर्ड है उनका रिकॉर्ड कहाँ रखा जाता है तो ये इस तरह के सारे रिकॉर्ड बच्चों एक रेड डेटा बुक जो होती है ये सभी तरह के एंडेंजर्ड प्लांट्स और एनिमल्स का रिकॉर्ड रखती है उसके बाद हम देखेंगे इकोसिस्टम। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि इकोसिस्टम क्या है जैसे कोई भी सिस्टम होता है उसमें सारे ही कंपोनेंट उसके इम्पॉर्टेंट होते हैं यदि कोई भी एक कंपोनेंट मिसिंग हो या उसमें बैलेंस नहीं हो तो वो सिस्टम पूरा फेल हो सकता है इसी तरह से इको, इको मतलब जो कि अर्थ से जुड़ा हुआ है तो इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ ऑल द प्लांट्स एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन एन एरिया अलोंग विद द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स लाइक क्लाइमेट वाटर सॉइल ये सारे कंपोनेंट्स को भी इन्वॉल्व किया गया है वाटर को सॉइल को क्लाइमेट को और उसके अलावा प्लांट्स को एनिमल्स को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ये सब मिल करके क्या बनाते हैं इकोसिस्टम और बच्चों यदि इसमें से कोई भी कंपोनेंट यदि डिस्टर्ब होता है तो हमारा पूरा इकोसिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है उसके बाद है माइग्रेशन ये आपने पिछली क्लास में भी पढ़ा था बच्चों माइग्रेशन क्या है जैसे साइबेरियन क्रेन जो है वो उड़ कर के आ जाते हैं हमारे भरतपुर या सुल्तानपुर में आ जाते हैं क्योंकि ये जहाँ से आते हैं वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो उस ठंड से बचने के लिए वो वार्मर प्लेस पर आ जाते हैं तो इस तरह का मूवमेंट एनिमल्स का अपने हैबिटेट से दूसरे हैबिटेट की तरफ जाने वाला मूवमेंट जो है जो कि एवरी ईयर होता है क्लाइमेटिक चेंज की वजह से या फिर ब्रीडिंग के लिए उसको हम कहते हैं तो इसे हम कहते हैं बच्चों माइग्रेशन तो जो बर्ड्स हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस पर चलते हैं उनको हम कहते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स एंड देन वी कम टू रीसाइक्लिंग ऑफ पेपर जैसे हमने पढ़ा कि हमारा जो इको है वो डिस्टर्ब हो सकता है एनवायरमेंट डिस्टर्ब हो सकता है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा कि ट्रीज़ को हम जो हैं वो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा उगाएं या फिर हम क्या करें कि जो पेपर है जो कि जिसको कि हम पेड़ों को काट करके बनाते हैं तो हम पेपर को बचाएं, पेपर को या तो बचाएं या फिर हम उसे रिसाइकिल करें जब हम री करेंगे तो पेड़ों को नहीं काटना पड़ेगा ये एनर्जी को भी बचाएगा वाटर को भी बचाएगा केमिकल्स को भी बचाएगा जो कि पेपर बनाने में यूज़ होते हैं तो बच्चों इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल आपका ही है आपको पेपर बचाना है और ऐसा पेपर आप खरीद सकते हैं जो कि रिसाइकल हो सकता हो उसके बाद हम लास्ट स्लाइड पर आ गए हैं बच्चों इस चैप्टर की दैट इज़ रीफॉरेस्टेशन रीफॉरेस्टेशन जो है वो क्या है इट इज़ द री स्टॉकिंग ऑफ डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग न्यू ट्रीज नए ट्रीज आ, को प्लांट करते हुए हम फिर से पुराने डिस्ट्रॉय किए हुए फॉरेस्ट को यदि फिर से बनाने की कोशिश करें जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है यहाँ दिखाई दे रहा है यहाँ भी प्लांटेशन हो रहा है तो हम रीफॉरेस्टेशन कर रहे हैं जैसा कि हमने स्कूल में भी शुरू किया था कि जिसका भी बर्थडे होगा वो एक प्लांट लगाएगा तो हमको कम से कम प्लांट्स काटने चाहिए और नए नए प्लांट्स लगाने चाहिए तो क्योंकि हमने फॉरेस्ट को वैसे ही बहुत ज़्यादा डैमेज कर दिया है तो फिर से ग्रीन वेल्थ को पाने के लिए रिफॉरेस्टेशन जो है वो एक ओनली ऑप्शन हमारे पास बचा हुआ है सो दिस इज़ द लास्ट स्लाइड ऑफ़ दिस चैप्टर चिल्ड्रेन नाउ यू गो थ्रू दिस प्रजेंटेशन इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए एक एक्सप्लेनिट्री वीडियो मैंने पहले भी शेयर किया था पी डी एफ से उसको भी ध्यान से देखिए और सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए ओके चिल्ड्रेन थैंक यू सो मच